अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, नीदा आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त जो मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ अचारी बैंगन आलू। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है और उसको जो है मैं ब्राउन कर रही हूँ। ऑयल है तकरीबन उसमें हमने डाला है 3 टेबल स्पून। प्याज जो है ये हो गई है। अब इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच ज़ीरा, 2 भुनावा, तो ये हमने 1 चम्मच इसमें ज़ीरा डाला। ज़ीरो को भी हम थोड़ा सा जो है ब्राउन करेंगे। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, ये मैं डाल दूंगी। और इसके साथ हम डाल देंगे नमक हसबी ज़रूरत। इसके बाद हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, वो भी आपके टेस्ट के मुताबिक, मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच। और अब इन सब मसालों को हम हल्की आंच पे छोड़ देंगे जब तक टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे। ये थोड़ी सी इसमें मैं हल्दी भी डाल रही हूँ 1/4 के करीब। बस इसको जो है ढक देंगे और टमाटर के पानी में टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। टमाटर सॉफ्ट हो गए, अब इसमें मैं डालूंगी 2 दरमियाने साइज़ के आलू जिनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और ये हम डालेंगे, अब इनको गलने के लिए छोड़ देंगे। आलू जो है वो गल गए हैं, अब इसमें मैं डालूंगी बैंगन। बैंगन जो है वो हमारे 1 कप है और इसको हम करेंगे मिक्स। तो एक गलती ये हो गई कि मैं वीडियो बना रही थी लेकिन वो क्लिप जो है रिकॉर्ड नहीं हुआ, मैं समझ रही थी शायद रिकॉर्डिंग पे है। तो इसमें अभी जो मैंने और चीज़ें डाली हैं वो डाली है कलौंजी 1/2 चाय का चम्मच, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया 1/2 चाय का चम्मच, और सौंफ जो थी उसको मोटा मोटा मैंने कूट लिया था वो भी 1/2 चाय का चम्मच, वो इसमें सब चीज़ें मिक्स कर दी थी। और उसके अलावा पिंच के करीब जो है मैंने वो डाला था काला नमक। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रह गई थी। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ हरे मिर्च काट के, और हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया। और मैंने इसमें थोड़ी इमली भी डाली हैगी। तो ये हमारा अचारी आलू बैंगन जो है वो तैयार है। और घी छोड़ दिया हैगा, इसको मैंने इतना भून लिया था, बस ये बिल्कुल रेडी है। आप इसको खाएं गरम गरम, नान के साथ, चावल के साथ, जैसे आपका दिल करे। तो ये जो है अचारी बैंगन बिल्कुल रेडी है, मैं उसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। फ़िलहाल जब तक जो है मैं बना रही हूँ खीरे का रायता, उसके लिए जो है ये मेरा घर का जमा हुआ दही है। और ये खीरा जो है ये मैंने कश कर लिया था, खीरा जो मैंने कद्दूकश कर लिया। और
दही जो है मैं इसको मिक्स करूंगी। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। और इसके बाद जनाब मैं इसमें डालूंगी दही। बहुत मज़े का बनता है ये, कुछ भी नहीं इसमें ज़्यादा पड़ता। और बस इसमें हम डालेंगे काली मिर्च, ये हम डालेंगे, ये तकरीबन आधा चाय का चम्मच। और इसके अलावा हम डालेंगे नमक, ये डाल दिया। और हम करेंगे इसको मिक्स। बस जी ये रेडी है। और अब जब हम खाना खाएंगे तो जनाब इसको इसके साथ निकाल लेंगे, अचारी बैंगन आलू के साथ। आप इसमें चाहें तो पुदीना जो है, हरे मिर्च, ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको ऐसे ही रखना है। ये हमारे अचारी बैंगन बिल्कुल रेडी है और अब इनके खाने का टाइम हो गया है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो थम्स अप कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ हमारा ये रायता है खीरे का, तो जी जनाब हम खाने के लिए जो है तैयार है। और बहुत ही मज़ेदार दोनों चीज़ें हैं, यकीनन आपको ज़रूर पसंद आएंगी। और आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी पर मुलाकात करते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।